बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द किचन एक्सपर्ट चैनल में हाजिर हैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी रेसिपी के साथ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी जाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मतलब फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। रेसिपीज़ देखें, तमाम रेसिपीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। रेसिपीज़ देखें और उसे लाइक करें और शेयर करें अदर ग्रुप्स में और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। कमेंट के ज़रिए हमें आगाह ज़रूर करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपीज़ ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो रेसिपीज़ को देखें, उसके ट्राई करें और अपनी पिक्चर्स जो हैं वो हमें शेयर करें कि आपको रेसिपीज़ हमारी कैसी लगती हैं। तो जैसा कि आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारी किचन में बनने जा रही है बहुत ही झटपट और बहुत ही यम्मी मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं नमक पारे, जो कि तकरीबन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, मतलब शाम में जब हल्की फुल्की सी भूख हमें लगती है तो दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो झटपट तैयार हो जाए और बाज़ार से मंगवाने की भी ज़रूरत ना पड़े, घर में ही उमूमन ये सारे सामान मौजूद होते हैं। तो इस रेसिपीज़ को ज़रूर मतलब ट्राई करें, इस तरह की झटपट बनने वाली रेसिपी। तो ये नमक पारे हमारे, जो कि बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर देखिए और ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। तो चलते हैं आज की हमारी रेसिपी की तरफ, जो है नमक पारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलते हैं हम अपने नमक पारों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा लिया, ठीक है। 1.5 कप मैदा है, इसमें तकरीबन हम 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को इस तरह लेकर हथेली पर से इसे थोड़ा सा, इससे ये अजवाइन जो है थोड़ा सा क्रश हो जाता है। फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक हसबे जायका। नमक ऐड करने के बाद तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब इसमें हम घी ऐड करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस मोमेंट पे इसको हम मुट्ठी से इस तरह बंद करके देखेंगे। अगर ये बन जाता है इस तरह तो इसका मतलब है कि इसमें घी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट देगी, ठीक है। अब इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंदेंगे। एकदम से बहुत सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका एक डो तैयार करना है जो कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, एक दरमियाने लेवल का डो हम तैयार करेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनेंगे। जितनी अच्छी तरह हम इसे गूंदेंगे उतना ही अच्छा इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। अजवाइन की क्वांटिटी मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि अजवाइन, आपको पता होगा कि अजवाइन जो है वो हाजमे को दुरुस्त रखता है और पेट के लिए बहुत ही मतलब मुफीद होता है। तो इसलिए, और क्योंकि ये फ्राई होंगे नमक पारे तो फिर उसको हज़म करने के लिए भी ये बहुत कारगर है। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे और फिर इसके बाद इसका अगला प्रोसेस तैयार करते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, नमक पारे का जो डो हमने तैयार किया था उसको रेस्ट हमने दिया था, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे हम चलते हैं, अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इसे हम नमक पारा बनाने के लिए बेलते हैं।
तकरीबन चपाती जितना पतला इसको बेल कर हम तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह बेलते हुए इसके कॉर्नर्स को भी हमने पतला करना है, कॉर्नर से ये मोटा ना जाए। इसे हमने बेल के बिल्कुल कर लिया है। ये तकरीबन जितनी हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो थोड़ा सा चपाती से ज़्यादा है। अब इसको हम कट करते हैं। इस तरह लेंथ वाइज कट करने के बाद जैसे नमक पारों का शेप होता है उस शेप में, छोटा या बड़ा जैसे आपकी पसंद, उस शेप में हम कट करेंगे। इस तरह कट करने के बाद इसे अब हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब नमक पारों को फ्राई करने के लिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई में तेल रखा है और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और फिर ये अपने जो हमने नमक पारे कट किए हैं इसको ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम रखेंगे और तकरीबन एक मिनट या उससे थोड़ा कम इसको हम बिल्कुल इसी कंडीशन में रखेंगे। इसको बिल्कुल इसमें चमचा हम नहीं डालेंगे वरना ये टूट जाएगा। और इसी तरह मीडियम आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब देखें तकरीबन एक मिनट हो चुके हैं, खुद ब खुद ये तमाम जो नमक पारे हैं जो बिल्कुल लग रहे थे एक दूसरे में चिपके हुए हैं ये खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो गए। और हमारे नमक पारे अब तैयार हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। इसे हम डिश आउट करेंगे। गर्मा गर्म नमक पारे मैंने डिश आउट कर दिया है, मैंने इसे चाय के साथ सर्व किया है। चाय के साथ इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। जितने टी लवर्स हैं जिनको चाय बहुत पसंद है वो उम्मीद है कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और चाय जो है वो नमक पारों के बग़ैर अधूरा है। इसे ज़रूर बनाएं, झटपट बनाएं, इसे खाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी नमक पारे ये बने हैं, ठीक है। और बहुत ही कम जो है इसके अंदर सामान हमने यूज़ किया है जो अमूमन घर पे मौजूद ही होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, इसे चाय के साथ पिएं। जिनको चाय पसंद है, जिनको जूस वगैरह पसंद करते हैं वो जूस के साथ खाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है वो जल्दी जल्दी जाएं, हमारी वीडियोस को देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम हमारी रेसिपीज़ की वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पे वीडियोस हमारी देखें, रेसिपीज़ देखें। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और इन्जॉय करें हमारी रेसिपीज़ को और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में से शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं तो इसे चाय के साथ इन्जॉय कर रही हूँ, आप भी जल्दी जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर इन्जॉय करें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।